नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मतलब 26 दिसंबर 2019 के लिए मैंने ये स्टॉक्स चुना है, उसी का व्यू आप लोग को दिखाऊँगा। और इक्विटी का, ये तो इक्विटी है, उसके बाद कमोडिटी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा। तो इसमें आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरा वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोग को बाय सेल लेवल का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर देता हूँ, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है और चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को 95% का एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है। और बहुत सारा एडुकेशनल और इंफॉर्मेशन पर्पस बहुत सारा चीज़ है जो आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा, जो आप लोग को ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जो सीखने का ज़रूरत होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, मैंने ये बाइसेल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ और बाइसेल लेवल 3 बनाता हूँ। इसमें मैंने पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने पूरा फाइल ही मैंने शेयर करता हूँ, आप लाइव मार्केट में अपडेट कर देता हूँ और रिकमेंडेशन भी देता हूँ। और मेरा जो उसके बाद लाइव मार्केट में व्हाट्सएप पे भी कॉल देता हूँ, तो आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। इसका लिंक दिया जाएगा यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये फाइल्स का जो लिंक है वो भी आप लोग को दिया जाएगा। और बहुत सारा वीडियोस है वो यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर देखिए। और देखिए, मैंने बाइसेल लेवल कम स्किनर में तीनों बाइसेल लेवल बनाता हूँ, बाइसेल लेवल 1, 2 और 3। और इसमें बहुत सारा चीज़ है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कुछ ईएमए का क्रॉसओवर, बोले इसमें कुक आउट, ये सब देख के आप लोग इसमें कुक आउट का ऊपर है या नीचे है, और बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, टीरन लेवल, VWAP के ऊपर है कि नीचे है, ये सब देख के आप लोग लाइव मार्केट में भी और एंड ऑफ द डे भी स्क्रीनिंग कर ले सकता है। उसके बाद आप लोग स्टॉक्स चुन के उसका बाय सेल लेवल देखेंगे तो आप लोग को बहुत आसानी से आप लोग ट्रेडिंग का काम ट्रेडिंग कर सकता है। और इधर बाय सेल लेवल 3 जो है, इसमें बाय सेल लेवल 3 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल और डाउन ट्रेंड का होल सेल लेवल। अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल और भी अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड जब 5800 के नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब नीचे आएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, वो आप लोग को इधर से मिल जाएगा। और इधर कौन सा लेवल पे कौन सा स्टॉक्स है ये भी आप लोग को ये सब इधर से मिल जाएगा। और इधर कुछ स्क्रीनिंग का भी है जो 5530 EMA क्रॉस ओवर, और इधर 50 to 20, 50, 100 तक EMA का क्रॉस ओवर इधर से आप लोग को मिल जाएगा, जो आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। इसके बाद एक बार ट्रेंड पकड़ लेंगे, सोच लीजिए आप ट्रेंड आप लोग कुछ स्टॉक्स चुना है जो आप ओनली अप ट्रेंड में है, तो ओनली अप ट्रेंड का बाय सेल लेवल देखना है, डाउन ट्रेंड लेवल देखना नहीं है। और डाउन ट्रेंड का जो बाय सेल लेवल है उसमें डाउन ट्रेंड का बाय सेल लेवल देखना है। और बाय सेल लेवल 3 में मैंने वही किया है, ओनली बाय सेल लेवल, एक्चुअली ये समूह सेफेस्ट लेवल है बाय सेल लेवल 3, इसीलिए मैंने इसको अलग से फाइल बनाया। और इसमें 534 का ईएमए क्रॉस ओवर बनाया है और प्रीवियस क्लोज के हिसाब से करंट हाई लो क्लोज ऊपर है क्या नीचे है, ये भी एक स्क्रीनिंग का पैरामीटर है, तो ये भी देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकते हैं। उसके बाद अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कौन सा कन्फर्म हो जाएगा तो बाय सेल लेवल देख सकता है। तो आज का जो स्क्रीनिंग करता है वो लेवल दिखाता हूँ आप लोग को, ये बाय सेल लेवल 1 है, इसका बाय अबव लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ, सेल का भी ऐसा है, सेल लेवल बीच में रहेगा, टारगेट 1 से लेवल टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ रहता है। और इसमें जब आप डाउन जब जिस लेवल पर सोच लीजिए 303 से 301.80 में ओपन हुआ है, तो 303 जो 96 के नीचे जो आप लोग एंट्री ले सकता है, तो 301.80 के नीचे सोच लीजिए 300 297 के बीच में ओपन हुआ है, तो 300 के नीचे आप लोग एंट्री ले सकता है।
तो ऐसे करके आप लोग को लाइव मार्केट में समझ लेना पड़ेगा जो ये एंड ऑफ द डे बनाया जाता है, तो इसीलिए ओपन जब मार्केट ओपन होता है तो हाई ये मतलब इसका गैप और गैप डाउन तो होता ही रहा है, वो आप लोग को समझ मतलब देख लेना है कि उसके बाद आप लोग ट्रेड ले सकता है। इसके लिए मेरा बाइसल लेवल का जो परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखा था वो भी आप लोग देख सकता है, तो इसे आप लोग को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा। मैंने चार्ट में दिखा था कि कैसे परफॉर्म किया है, तो अगला दिन का तो आप लोग को मिल जाएगा। बाइसल लेवल टू आप लोग नोट कर लिया होगा, उसके बाद बाइसल लेवल थ्री दिखाता हूँ, यह बाइसल लेवल थ्री और इसका ये आर वन, ये इसका बाई का एंट्री लेवल है और सेल, ये सेल का लेवल है, एस वन का सेल का लेवल है और बाकी आगे सब टारगेट है। ये पिवट पॉइंट का लेवल है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट लेवल और बोलिंजर बैंड का मिड बैंड, अपर बैंड, लोअर बैंड, ये भी आप लोग देगा वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस चैनल का वैल्यू भी नोट कर सकता है, ये भी एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। टीडाउन लेवल का भी आप लोग देख सकता है और बी डब्ल्यू ए पी का वैल्यू भी आप लोग नोट कर सकता है, क्योंकि ये सब भी चीज़ भी आप लोग को एंट्री लेने के लिए मदद करेगा। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू दिखाता हूँ, निफ्टी फ्यूचर्स और इंडेक्स दोनों का ही मैं व्यू दिखाता हूँ। तो देखिए ये दोनों फ्यूचर्स है और ये दोनों इंडेक्स है, इसका बाई सेल लेवल वन ऐसा है, इसके बाद बाई सेल लेवल टू, ये है बाई सेल लेवल टू और इसका बाई सेल लेवल थ्री दिखाता हूँ। बाइसल लेवल थ्री, यह है बाइसल लेवल थ्री और ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, ये लोग ये सब चीज़ आप लोग नोट कर सकता है, इसका प्राइस चैनल का वैल्यू भी नोट कर सकता है, फ्यूचर में आएगा। और बी डब्ल्यू ए पी प्रीडाउन लेवल का भी नोट कर सकता है और इसके बाद कमोडिटी दिखाऊंगा। कमोडिटी आप लोग नोट कर सकता है और आप लोग ये वीडियो देख के आप लोग को क्या फीडबैक देना चाहिए, फीडबैक आप लोग को मेरा हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, कैसे आप लोग को कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके में मेरा सुविधा होगा और मेरा मोटिवेशन मिल जाएगा कि आप लोग देख रहा है और इसको आप लोग को अच्छा लगेगा, क्या कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मेरे को बोलेगा तो मेरा अच्छा लगेगा, तो क्योंकि मैं इसको और भी इम्प्रूव कर सकता हूँ और आप लोग का कैसे इधर प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है, काम पे आता है कि नहीं आता है, वो जानने से मेरा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा और आप लोग का प्रॉब्लम भी समझ सकूँगा, ताकि ये आप लोग को और भी आसान तरीके से आप लोग यूज़ कर सकता है। और इसका कुछ फ्यूचर्स मैं दिखा देता हूँ, इसका ऐसे ही दिखा देता हूँ, कुछ मतलब स्क्रीनिंग वगैरह नहीं किया। ये आप लोग नोट कर सकता है, और देखिए मैंने ये तो हो गया और मैंने बाइसल लेवल का जो परफॉर्मेंस है वो मैंने दिखा दिया था, तो कमोडिटी का परफॉर्मेंस उस वीडियो में दिखा नहीं पाया क्योंकि कमोडिटी का बाद में ओपन होता है, बाद में क्लोज होता है, तो इसीलिए देखिए 4321 क्रूड ऑयल का लेवल था और 4309 इसका लेवल था, 4309 सेल का लेवल था, तो आज कैसे परफॉर्म किया वो देख लेते हैं एक बार। 4321 ये 4326 के 26 में ओपन हुआ था, 26 में ओपन होने के बाद ये नीचे आया था, 4326 में आप लोग इधर एंट्री लेने ले सकते थे, 4321 के ऊपर जब